कथित अबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें हिरासत में रखने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से 9 अप्रैल को वैध करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तो राहत नहीं मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में थे। ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि आप प्रमुख को वो सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं जो कि कट्टर अपराधियों को उपलब्ध होती हैं। मान ने इससे आगे कहा कि वो केजरीवाल से आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन उनके बीच एक कांच की दीवार थी और दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल के जरिए बातचीत हुई। बता दें ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी दंडनात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ही ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और वो अब तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।